नमस्कार, मैं हूं इस्लामुद्दीन खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा बाईपास हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। इससे इस बाईपास पर चलने वाले हमेशा डर के साए में रहते हैं। इन्हें हमेशा एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है, मगर इस बाईपास पर लुटेरों का भी खतरा अब बढ़ गया है। अब ट्रक ड्राइवरों को लूटने वाले भी सक्रिय हो गए हैं। इस बाईपास से दो लोगों को ट्रक वालों से लूटपाट करते हुए गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों मुंब्रा के अलमास कॉलोनी के रहने वाले हैं। आरोपी का नाम मोहम्मद रशीद रईस खान 30 वर्षीय है और दूसरे आरोपी का नाम खान अफजल मोहम्मद अली 24 वर्षीय है। दरअसल मुंब्रा बाईपास पर पुलिस चौकी बीट क्रमांक 1 पर रात में तैनात हवलदार पठान खेंगरे और पाटिल को 5 नवंबर की रात 11 बजे एक ट्रक ड्राइवर ने जानकारी दी कि कुछ लोग टोल नाके के पास ट्रक ड्राइवरों से लूटपाट कर रहे हैं और उनके हाथ में हथियार भी है। जानकारी मिलते ही ये तीनों हवलदार टोल नाके पर पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से एक अस्तूरा भी बरामद हुआ है। मुंब्रा पुलिस ने इन आरोपियों पर आईपीसी की धारा 392, 341, 506 कॉलम 2, 34 तथा सह पुलिस कायदा 36 कॉलम 1 के तहत मामला दर्ज किया गया है और पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर रही है कि अब तक इन लोगों ने कितनी घटनाओं को अंजाम दिया है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।